इंटरनेशनल ट्रेड सर बहुत इजी से चैप्टर, बहुत इजी से चैप्टर है, क्योंकि एक बेसिक हमें पता होता है इंटरनेशनल ट्रेड हम क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, कैसे करते हैं, और उससे रिलेटेड इस चैप्टर में कुछ थ्योरीज दी हुई, और वो अपन को थ्योरीज में याद रखना पड़ेगा कि वो इंटरनेशनल ट्रेड क्यों करते हैं। बाकी शुरू में तो आपको बताया इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज होता है, तो मतलब ऐसा है कि इट्स अ टोटल बचपन इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है थोड़ा सा लेवल अलग करके बोलेगा बट है तो बचपन ही से। और किसी को पता है हम इंटरनेशनल ट्रेड क्यों करते हैं? एक कॉमर्स स्टूडेंट बेसिक है, ये पढ़ के ही आता है इंटरनेशनल ट्रेड क्यों करते हैं। चलो फिर भी अपन पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो इंट्रोडक्शन, इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है? इंटरनेशनल ट्रेड, लो भाई बताया है, इंटरनेशनल ट्रेड इज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज रिसोर्सेज बिटवीन कंट्रीज। इट इन्वॉल्व ट्रांजेक्शन बिटवीन रेसिडेंट ऑफ अ डिफरेंट कंट्रीज एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द डोमेस्टिक ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड विच इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री यूजिंग डोमेस्टिक करेंसी। इंटरनेशनल ट्रेड इन्वॉल्व ट्रांजेक्शन इन मल्टीपल करेंसीज। इंटरनेशनल ट्रेड होता है क्या है सर? जहाँ पर एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ गुड्स और सर्विसेज की डीलिंग करती है, दैट इज नोन एज इंटरनेशनल ट्रेड। यही तो होता है, फॉरेन करेंसी का इन्वॉल्वमेंट होगा। कंपेयर टू इंटरनल ट्रेड, सर इंटरनल ट्रेड क्या होता है? इंटरनल ट्रेड वो होता है सर जो विद इन द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया के हो, वो इंटरनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड हैज ग्रेटर कॉम्प्लेक्सिटी, यस सर ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, ज्यादा लीगल रेगुलेशन है, ज्यादा लॉस है, ज्यादा है, एज इट इन्वॉल्व हेट्रोजिनिटी ऑफ कस्टमर्स एंड करेंसीज। सर हर जगह के कस्टमर अलग है, इंडिया का अलग है, चाइना का अलग है, सर करेंसी इंडिया की अलग है, चाइना की अलग है। डिफरेंसेज इन लीगल सिस्टम बहुत अलग है सर, यहाँ का लीगल सिस्टम और चाइना का बहुत अलग है। बिजनेस प्रैक्टिसेज एंड पॉलिटिकल सिस्टम, मोर इलैबोरेट डॉक्यूमेंटेशन, एक्सचेंज रेट रिस्क, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर, फॉर्मेलिटीज, हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट, इशू रिलेटेड टू शिपिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन एंड डाइवर्स रिस्ट्रिक्शन एंड इंटरवेंशन फ्रॉम गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, रेगुलेशन, ड्यूटीज, टैरिफ्स, कोटास, ट्रेड बैरियर, स्टैंडर्ड्स, रेस्ट्रेंट टू द मूवमेंट ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज। बाप रे, ये आपको इंटरनेशनल ट्रेड की सब चीजें बता दी कि इंटरनेशनल ट्रेड में क्या आता है। एक आदमी कॉमन सेंस से सोचते जाएगा तो आराम से समझ आएगा उसको। इंटरनेशनल ट्रेड कर रहा है तो पेमेंट या रिसीव या पे होगा वो फॉरेन करेंसी में होगा, फॉरेन करेंसी तो एक्सचेंज रेट का दिक्कत आने वाला है। गवर्नमेंट बीच में आने वाली है, बम तो नहीं एक्सपोर्ट कर रहे या इम्पोर्ट तो नहीं कर रहे, सर गवर्नमेंट बीच में आएगी। अब आ रही है सर, गुड्स आ रहा है जहाज से, तो जहाज डूबने का डर, फ्रेट, इंश्योरेंस, सर ट्रांसपोर्टेशन, बड़ा वैसी बात है, ये सब चीजें बहुत सिंपल है सर, बहुत सिंपल है। फिर गवर्नमेंट कस्टम ड्यूटी कितना लेगी, उससे रिलेटेड लॉस क्या बना के रखी है, कितना रेट होगा कस्टम ड्यूटी का, कई चीजों पे गवर्नमेंट ने बैन लगा के रखा है, जैसे अभी रिसेंट में गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया गेहूं पे, कोई भी गेहूं एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, ठीक है, रेस्ट्रेंट्स वगैरह, समझ आया। एट प्रेजेंट लिबरल इंटरनेशनल ट्रेड इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशंस एंड हैज बिकम अ इंपॉर्टेंट इंजन ऑफ ग्रोथ इन द डेवलपमेंट एज वेल एज डेवलप्ड एज वेल एज डेवलपिंग कंट्रीज। व्हाइल सम इकोनॉमिस्ट एंड द पॉलिसी मेकर्स आर्ग्यू दैट द नेट बेनिफिट फ्रॉम द कीपिंग मार्केट ओपन टू द इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, अदर फील दैट ट्रेड जनरेट्स अ नंबर ऑफ एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस ऑन द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन। लड़ाई कर रहे हैं लोग आपस में, एक बोलता है इंटरनेशनल ट्रेड अच्छा है, एक बोलता है बेकार है, मैं बोलता हूँ बहुत अच्छा है सर, ग्लोबलाइजेशन है, बाहर से नई नई टेक्नोलॉजी आएगी, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, हम अपने आप को बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। एक आदमी बोलता है सर अगर इंटरनेशनल ट्रेड है तो हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उनको बहुत हार्म होगा, उसको बहुत इफेक्ट पड़ेगा। तो सर अपन यही पढ़ने वाले हैं, वी शैल एग्जामिन द आर्ग्यूमेंट्स इन सपोर्ट, मतलब एडवांटेज भी बोल सकते हैं। देखो सर इंटरनेशनल ट्रेड इज अ पावरफुल स्टिमुलस टू इकोनॉमिक इफिशियंसी एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू ग्रो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड राइजिंग इनकम। अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड करते हो तो सर कहीं ना कहीं आपकी इकोनॉमिक इफिशियंसी, कैसे सर? आपके पास जो एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी है आप उसको यूटिलाइज करते हो, उसको यूटिलाइज करने से क्या होता है, आप इफिशियंट होते हो मार्केट में, और ज्यादा एक्सेस यूटिलाइजेशन करने से क्या होता है सर? सिंपल सी बात है, आपने आउटपुट बढ़ाया, जीडीपी बढ़ जाएगी सर। अब जीडीपी बढ़ी, आउटपुट बढ़ा, तो इनकम क्यों नहीं बढ़ेगी, ज्यादा पैसे कमाएंगे हम बाहर से। द वाइडर मार्केट मेड पॉसिबल ओइंग टू ट्रेड इंड्यूसेस कंपनीज टू कीप द
सॉरी टू रीप द क्वांटिटेटिव एंड द क्वालिटेटिव बेनिफिट ऑफ एक्सपांडिंग डिवीजन ऑफ लेबर। बड़ा वैसी बात है सर, अब आपके पास ज्यादा प्रोडक्शन करने का मौका है क्योंकि आप अपने गुड्स इंटरनेशनली बेच सकते हो, तो सर उसका बेनिफिट आपको मिलेगा ही सर। एज अ रिजल्ट दैट वुड एनलार्ज देयर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज कैपेबिलिटीज एंड द बेनिफिट फ्रॉम इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। मैंने आपको बताया इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन मतलब अगर ज्यादा गुड्स बनाएंगे तो उनकी कॉस्ट कम हो जाएगी। द गेन फ्रॉम द इंटरनेशनल ट्रेड आर रीइंफोर्स्ड बाय इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन दैट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर आर कॉन्फ्रंटेड विद ऑन अकाउंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग रिक्वायरिंग बिजनेसमैन टू कम्पीट अगेंस्ट द ग्लोबल बिजनेस। बट ऑब्वियसली बात है सर, इंडिया वाले एप्पल से कम्पीट कर ही रहे, हमारा इंडिया का ब्रांड स्पाइकर लेवाइस से कम्पीट कर ही रहे, ठीक है ये हो ही रहे सर। कॉम्पिटिशन फ्रॉम फॉरिन गुड्स कंपेल मैन्युफैक्चरर स्पेशली इन द डेवलपिंग कंट्रीज इंडिया टू एनहांस इफिशियंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी बाय अडॉप्शन ऑफ कॉस्ट रिड्यूसिंग टेक्नोलॉजीज एंड बिजनेस प्रैक्टिसेस। बट ऑब्वियसली बात है सर, अगर कॉम्पिटिशन है तो हम चाहेंगे कम से कम कॉस्ट और अच्छे से अच्छे तरीके से बिजनेस करें ताकि हमारी कॉस्ट कम हो और हम उससे सर क्या करें कॉम्पीट कर पाए और पैसे कमा पाए। इफिशियंट डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज टू देयर बेस्ट यूज इन इज अ डायरेक्ट इकोनॉमिक एडवांटेज ऑफ द फॉरेन ट्रेड। ग्रेटर एफिशिएंसी, जितना ज्यादा एफिशिएंसी रहेगी सर उतना प्रोडक्शन कॉस्ट कम रहेगी, उतना ज्यादा गेन होगा सर और उतना ज्यादा आप इंटरनेशनल मार्केट क्या कर पाओगे कैप्चर कर पाओगे। और सर इंटरनेशनल ट्रेड का फायदा ये है कि सर डोमेस्टिक मोनोपोलीज कभी नहीं हो सकती क्योंकि बाहर की कंपनी भी इंडिया में आके काम करेगी तो मोनोपोली कैसे करोगे सर, है समझ। दूसरा देखो सर, ट्रेड प्रोवाइड्स एक्सेस टू न्यू मार्केट एंड न्यू मटेरियल्स। बट बहुत सिंपल सी बात है सर, जब आप इंटरनेशनल लेवल पे चल जाते हो तो सर नए मार्केट होंगे, नए कस्टमर्स होंगे, नए मटेरियल्स होंगे, नई टेक्नोलॉजी होगी, नए नए टाइप के बिजनेस होंगे, आप नए प्रोडक्ट्स से बनाओगे सर, नए लोगों से कॉम्पीट करोगे, यही तो दिया हुआ है आपको। वैरायटी ऑफ गुड्स वगैरह मिलेंगे, सर्विसेज मिलेंगे, लोअर प्राइस पे गुड्स मिल सकते हैं, आप नई टेक्नोलॉजी ला सकते हो जिससे सर आपका क्या हो जाएगा सर कॉस्ट कम हो जाएगी, आप भी ज्यादा प्रोडक्ट बेच पाओगे। समझ आ रहा है, पढ़ूं? हाँ अरे नहीं नहीं मतलब ये वाला जो अभी समझाया इसको पढ़ूं। इंटरनेशनल ट्रेड एनहांसेस द एक्सटेंट ऑफ मार्केट। सर कॉमन सेंस है, अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं आता तो सर जो रतन टाटा जी की गाड़ी है वो सिर्फ इंडिया लेवल तक बिकती, आज वो इंडिया के बाहर भी बिक रही है, तो सर उससे क्या हो रहा है उनका मार्केट बढ़ गया सर, पहले सिर्फ इंडिया लेवल तक था आज बढ़ गया मार्केट। एंड एग्रीमेंट द स्कोप ऑफ मैकेनाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन। बड़ा वैसी बात है सर, हम बाहर से नई टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, नए इनोवेशन ला सकते हैं, उससे सर क्या होगा हम भी कहीं ना कहीं अपने प्रोडक्ट पे स्पेशलाइज हो सकते हैं, उन टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं। समझ आ रहा है, उससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमी ग्रो करेगी, वही सब बातें। अगला, एक्सपोर्ट स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ बाय क्रिएटिंग जॉब्स, रिड्यूसिंग पॉवर्टी, रेजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड ओवरऑल डिमांड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज। आसान भाषा में यही तो बोल रहे हैं, अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो सर आप गुड्स ज्यादा बना रहे हो तभी तो एक्सपोर्ट करोगे सर, अगर आप गुड्स ज्यादा बना रहे हो तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो तो उससे पॉवर्टी कम हो जाएगी सर, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दोगे तो उनके पास पैसे आएंगे तो लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा सर। सर एक्सपोर्ट कर रहे हो इसका मतलब सर हमारे गुड्स की बाहर डिमांड है, तो ये कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ करने में भी हेल्प करेगी सर, समझ पक्का पढ़ सकता हूँ ना आगे। अगला देखो सर, एम्प्लॉयमेंट जेनरेटिंग इन्वेस्टमेंट। बाहर वाले इंडिया में इन्वेस्ट किए सर एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यहाँ आके बिजनेस करेंगे डोमिनोज सर, यहाँ लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं अपने इन्वेस्टमेंट से, कर रहे हैं, सिंपल एग्जाम्पल है। बढ़ सकता हूँ आगे, ओपनिंग अप ऑफ न्यू मार्केट। मैंने आपको अब भी बताया सर न्यू मार्केट होगा, नया मार्केट होगा तो नए प्रोडक्ट्स होंगे, हम उससे अपना बेस बढ़ा सकते हैं सर, और न्यू मार्केट के बेसिस में हम डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं अपने आप। अब भाई देखो पहले टाटा की क्या आ रही थी, पेट्रोल डीजल गाड़ी आ रही थी, आज ईवी में भी तो उतरा ना, नए मार्केट के बेसिस में अपने आप को डाइवर्सिफाई किया ना, इसका भी फायदा है सर। समझ आ रहा है। अगला, ट्रेड कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। बड़ा वैसी बात है सर, क्यों हमारे इंडियंस जो है यूक्रेन का पढ़ने गए थे कि नहीं अभी डॉक्टर का, ह्यूमन डेवलपमेंट सर। बाहर के भी तो कई ऐसी हायर एजुकेशन कोर्सेज है जो इंडिया में आ रहे हैं, सीएफए इंडिया का थोड़ी के, सीएफए एडब्ल्यूसी इंडिया का थोड़ी के सर, ये सब फॉरेन कोर्सेज है जो क्या इंडिया में आ रहे हैं, ये सर सीपीए, ठीक है आ रहे समझ। अगला, ट्रेड स्ट्रेंथन बॉन्ड बिटवीन द नेशंस।
बट अब ऐसी बात है सर, हम किसी कंट्री के साथ बहुत अच्छा ट्रेड करेंगे तो हमारे उससे जो रिलेशन है बहुत अच्छे होंगे। लाइव एग्जाम्पल है रशिया और पाकिस्तान ने बैंड बजा दिया, समझ आ रहा है? डिस्पाइट बीइंग अ डायनेमिक फोर्स विच हैज एन इनॉर्मस पोटेंशियल टू जनरेट ओवरऑल इकोनॉमिक गेन्स, लिबरल ग्लोबल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट आर ऑफन क्रिटिसाइज एज डिटर्मिनेटर टू नेशनल इंटरेस्ट मेजर आर्ग्यूमेंट्स पुट फोर्थ अगेंस्ट। अब यहां पर क्या हो रहा है सर, इंटरनेशनल ट्रेड के हम अगेंस्ट जाने वाले हैं। देखो भाई अगेंस्ट में क्या जाएंगे सर, सबसे पहला दिया हुआ है पॉसिबल नेगेटिव लेबर मार्केट आउटकम्स। हाँ ये तो बिल्कुल होगा सर, ये तो होना ही है सर, क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में गए तो आप टेक्नोलॉजी लेके आओगे, और अगर टेक्नोलॉजी लेके आओगे सर तो कहीं ना कहीं सर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होने वाला है। सर टेक्नोलॉजी लेके आओगे तो स्किल्ड लेबर की काम पड़ेगी, अनस्किल्ड वाले वर्कर तो गए बेचारे। तो यहाँ पर लेबर मार्केट को तो कस के फर्क पड़ेगा सर, कस के फर्क पड़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, उसके कारण लेबर लोग सर क्या बोलते हैं कम रेट में काम करना स्टार्ट कर देंगे। क्यों सर, उन्हें उतना ज्यादा जॉब मिलेगा नहीं तो कम से कम रेट पे काम करना स्टार्ट कर देंगे, उनके बार्गेनिंग पावर में बहुत इफेक्ट आएगा। ज्यादातर फर्क किसको पड़ेगा, अनस्किल्ड वर्कर्स को, स्किल्ड वालों को तो चलो काम मिल भी जाए, अनस्किल्ड को बहुत फर्क पड़ जाएगा, समझ आया? इंटरनेशनल ट्रेड इज ऑफन नॉट इक्वली बेनिफिशियल टू ऑल नेशंस। क्यों? देखो सर एक सिंपल सी बात है, चाइना बोलता है कि सर मैं इंडिया में माल डंप करता हूं, साला वो डंप करता है कम से कम रेट में, तो इससे हमारी जो डोमेस्टिक मार्केट है इसको वो क्या कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है, बैंड बजा के रख दिया हमारे डोमेस्टिक मार्केट की, वो एक्सप्लॉइट करता है। तो सर हर बार इंटरनेशनल ट्रेड अच्छा भी नहीं होता, क्योंकि क्या होता है कई बार क्या होता है इंटरनेशनल ट्रेड के कारण सर उनके प्रोडक्ट ज्यादा बिकने लगते हैं, अब उन्हीं के अगर प्रोडक्ट बिकने लग जाएंगे तो सर हमारी डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है, डोमेस्टिक इकोनॉमी, उसकी तो आप बैंड बजा दोगे ना सर, हमारे पास सर फॉरेन करेंसी पूरी बाहर चल जाएगी, वही चीज दी हुई, समझ आ रहे हैं? बढ़ सकता हूं आगे। इंटरनेशनल ट्रेड इज ऑफन क्रिटिसाइज फॉर देयर एक्सेसिव स्ट्रेस ऑन एक्सपोर्ट एंड प्रॉफिट ड्रिवन एक्सॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ड्यू टू सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, समझ आ रहे हैं क्या बोलने वाला है सर? ये ज्यादातर एक्सपोर्ट में बिलीव करते हैं, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो सर आप क्या करोगे सर, आउटपुट बढ़ाने की कोशिश करोगे, तो यहां पर क्या होता है आप आउटपुट वहां पर बढ़ाने की कोशिश करते हो जहां आपका प्रॉफिट होता है। आदमी फ्री में थोड़ी काम करेगा, प्रॉफिट के लिए काम करेगा, तो सर आप प्रॉफिट के लिए रिसोर्सेज का यूज करना स्टार्ट कर देते हो, उससे क्या होता है अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्यों? सिंपल सी बात है, यहां पर आप फ्यूचर जनरेशन का सोच ही नहीं रहे हो, आप आज ही सब कुछ खत्म करना चाहते हो, समझ आ रहा है? प्रोबेबली शिफ्ट टुवर्ड्स अ कंज्यूमर कल्चर। हाँ सर, जितनी भी एमएनसीज रहती, बड़ी बड़ी कंपनीज रहती, ये किस पे फोकस करती? कंज्यूमर पे। अब है कंज्यूमर को क्या चाहिए, ये इस पे फोकस नहीं करती कि मार्केट क्या डिमांड करता है, कंज्यूमर क्या चाहता है, और उसके कारण क्या होता है सर कई बार ना हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उनको बहुत इंपैक्ट पड़ता है। अब उनको क्या करना पड़ता है, बाहर वाले जिस तरीके से चल रहे हैं उनको भी उसी तरीके से चलना पड़ता है, अगर आप उस तरीके से नहीं चलोगे तो आप मार्केट से बाहर हो जाओगे, बाहर वाले लोग मार्केट पूरा कैप्चर कर लेंगे क्योंकि उनकी स्कीम्स बड़ी एक से एक होती है सर। रिस्की डिपेंडेंस ऑफ अंडर डेवलप्ड, सर अंडर डेवलप की तो बैड बच जाती है। अब होता क्या है, अंडर डेवलप कंट्रीज जो होती है जहां पर वैसे ही बड़े बड़े ऑन्टरप्रनियर्स और बड़े बड़े बिजनेसमैन नहीं होते, तो वहां पर एमएनसीज क्या होती है, वहां आके एमएनसीज क्या करती है मार्केट पूरा कैप्चर कर लेती है, फिर कल के दिन क्या होता है एमएनसीज जैसा बोलती है जैसा चलाना चाहती है वैसा आपको चलना पड़ता है, मजबूरी हो जाती है ना, क्योंकि आप ज्यादातर उन पर डिपेंडेंट होते हो। इंडियन गवर्नमेंट क्या बोलती है, हमें एफडीआई अच्छा लगता है एफआईआई नहीं, क्योंकि एफआईआई क्या होता है ज्यादा बाहर वाले लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, पर सर क्या होता है ये टेम्पररी इन्वेस्टमेंट है, इनके भरोसे में अगर हम अपना शेयर मार्केट छोड़ देंगे तो कल के दिन ये लोग जब छोड़ के रहेंगे तो हमारा शेयर मार्केट क्रैश हो जाएगा, हम मर जाएंगे, समझ आ रहा है? वेलफेयर, ये बचपन की बात है सर, वेलफेयर ऑफ द पीपल में भी इग्नोर, बड़ा वैसी बात है सर, एमएनसीज आके कोई आपके वेलफेयर के लिए काम कर, सर डोमिनोज आपको फ्री में क्यों देगा पैसा, वो आपसे लूटेगा सर, और बाहर वाले लोग ये सब चीजें नहीं सोचने वाले सर, बाहर वाले तो रिसोर्सेज अपने प्रॉफिट पर्पस के लिए यूज करेंगे, कस्टमर को क्या हो रहा है इससे उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता सर, उन्हें बस प्रॉफिट कमाने से मतलब होता है, समझ आ रहा है? टू मच एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन मे डिस्ट्रॉट एक्चुअल इन्वेस्टमेंट अवे फ्रॉम द जेन्युइन इन्वेस्टमेंट, जितना चाहिए इन्वेस्टमेंट उससे ज्यादा या उसमें डिफरेंस आ सकते सर ज्यादा एक्सपोर्ट करने से, इंस्टेड ऑफ कोऑपरेशन
अमंग द नेशन राइवरी भी आ सकती है। आ गई है, हम तो चाइना के प्रोडक्ट आधे से ज्यादा बैन करके बैठ गए, राइवरी इच्छी तो आई है सर। फाइनली देर इज ओपन लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड प्रिडिक्टेबिलिटी। बहुत सही बात बोला सर, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते सर, मैं नहीं बता सकता कि कब यूएस मेरे प्रोडक्ट्स पे बैन लगा दे या मेरे ट्रेड बैरियर लगा दे सर। उसके कारण सर क्या होता है, हमारे बिजनेस को भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। अरे मैं यूएस में दारू बेचता था, अचानक से यूएस में दारू ही बैन हो, तो सर उससे मुझे भी इफेक्ट पड़ेगा। कोई बोल रहा है, समझ आया? इंपॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड दिया हुआ सर आपको, बहुत सारी नीचे थ्योरीज दी हुई। पहला देखो सर, मर्चेंटलिस्ट व्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अब ये जो थ्योरी है बड़ी प्यारी है, ये बहुत सिंपल है। ये बोलता है, इसकी थ्योरी के हिसाब से क्या होता है सर, आप बाहर वाली कंट्री के साथ ना ट्रेड करो, एक्सपोर्ट करो, एक्सपोर्ट करके ना सामने वाले से मेटल ले लो। बोला भाई वो क्या होता है, वो बोले आपने गुड्स एक्सपोर्ट किया, आपने गुड्स एक्सपोर्ट किया आपको क्या लेना पड़ता, पैसे। आप पैसे मत लो, उतनी वैल्यू का मेटल ले लो। मैं बोला मेटल क्या होता है, सरकार बोली गधे गोल्ड सिल्वर मेटल ले लो, प्रीशियस मेटल ले लो, डायमंड हीरा है, ये सब चीजें ले लो। मेटल्स के टर्म पे आपने आपको स्ट्रॉन्ग कर, क्योंकि रुपी वैल्यू गिर सकती है, मेटल वैल्यू कैसे गिरेगी? समझ आ रहा है? ये थ्योरी पूरी यही चीज बोलती है, ऊपर से नीचे मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। देखो मर्चेंटलिज्म विच वॉज द पॉलिसी ऑफ यूरोप 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 ग्रेट पावर वॉज बेस्ड ऑन द प्रिमाइस दैट नेशनल वेल्थ एंड द पावर आर द बेस्ट सर्व बाई इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट एंड कलेक्टिंग मेटल्स इन रिटर्न। मर्चेंटलिस्ट ऑल्सो बिलीव दैट द मोर द गोल्ड एंड सिल्वर ऑफ अ कंट्री एक्युमुलेट्स द रिचर इट बिकम्स। मर्चेंटलिज्म एडवोकेट्स मैक्सिमाइजिंग एक्सपोर्ट इन ऑर्डर टू ब्रिंग इन मोर स्पाइस मनी इन द फॉर्म ऑफ प्रीशियस मेटल अदर देन नोट्स, मैंने आपको पहले ही बताया सर, एंड मिनिमाइजिंग इम्पोर्ट थ्रू द स्टेट इम्पोजिंग वेरी हाई टैक्स रेट्स ऑन द फॉरेन गुड्स टैरिफ्स। दिस व्यू आर्ग्यूज दैट ट्रेड इज अ जीरो सम गेम विद विनर्स हु विन डज सो ओनली एट द एक्सपेंस ऑफ द लूजर्स। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है क्या करने वाले ये लोग? अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को एक्सपोर्ट करेंगे और उनसे सोना चांदी ले लेंगे। अब बेचारे वो झक मार के चुपचाप दे देंगे, क्योंकि अंडर डेवलप्ड है, उन्हें तो सर डेवलपिंग या डेवलप के हिसाब से चलना ही पड़ेगा सर। समझ आ रहा है? उनका बेनिफिट नहीं है सर, उनके पास से तो मेटल्स जा रहे हैं। द आर्ग्यूमेंट पुट फॉर, जी समझ आ रहा है, मैं यहाँ तक बताया। द आर्ग्यूमेंट पुट फॉर बाय द मर्चेंटलिस्ट वे लेटर प्रूव टू हैव मेनी शॉर्टकम्स बाय द लेटर इकोनॉमिस्ट ऑल्दो इट इज वेरी स्टिल इंपॉर्टेंट थ्योरीज विच एक्सप्लेन पॉलिसी फॉर्म बाय मेनी बिग एंड फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन एशिया। ये क्या बोलने वाला है सर, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। ये बोलने वाला है सर, अगर दो कंट्री आपस में ट्रेड करना है तो वो आपस में ट्रेड तभी करेगी जब एक कंट्री को दूसरे कंट्री से कोई एडवांटेज दिखे और दूसरी कंट्री को कोई पहले कंट्री से एडवांटेज दिखे। ना बोला वो कैसे हो सकता है सरकार बोले, सो पहली कंट्री मान लो ये पेन बनाने में स्पेशलाइज है और दूसरी कंट्री वो पेन बनाने में इतनी स्पेशलाइज नहीं है, तो वो ये पेन का ट्रेड उस कंट्री के साथ करना चाहिए। दूसरी कंट्री है मोबाइल बनाने में स्पेशलाइज्ड और पहली वाली कंट्री नहीं है, तो दूसरी वाली जो कंट्री है वो मोबाइल की ट्रेड इसके साथ करना चाहिए। तो ये बोलता है थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज वो है सर, जहां पर दोनों कंट्रीज अपने एडवांटेज को देख के आपस में ट्रेड करेंगे। अब उसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, हर आदमी यही सोच के करता है, बट इसमें सिंपल ये यही बात होती है, जिसको जिस चीज में एडवांटेज है, भाई मैं ये पेन सबसे कम प्राइस में बना सकता हूँ तो मैं इसी पे ट्रेड करना पसंद करूंगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट बाहर बेचने में बहुत पैसे कमा सकता हूँ। अब ये बोलते हैं सर मैं मोबाइल सबसे सस्ता बना सकता हूँ तो मैं तो मोबाइल पे ही ट्रेड करना पसंद करूंगा, क्योंकि मेरे जितना मोबाइल सस्ता तो कोई और बना ही नहीं पाएगा। अरे समझ, देखो ये वही दिया, वो आ गए सर जी एडम स्मिथ, इनके बिना तो जिंदगी अधूरी है। चलो भाई, एडम स्मिथ वाज द फर्स्ट टू पुट अक्रॉस द पॉसिबिलिटी दैट इंटरनेशनल ट्रेड इज नॉट अ जीरो सम गेम। अकॉर्डिंग टू द एडम स्मिथ हु सपोर्टेड अनरिस्ट्रिक्टेड ट्रेड एंड फ्री इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज इज द डिटर्मिनेंट ऑफ म्यूचुअल बेनिफिशियल इंटरनेशनल ट्रेड। मैंने बताया जिसके पास जिस चीज का कॉस्ट का एडवांटेज रहेगा वो उसकी ट्रेडिंग करना चाहेगा। एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी पुट्स आउट दैट अ कंट्री विल स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ अ कमोडिटी इन विच इट हैज एन एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। मैंने अभी आपको यही बताया,
जिसमें आपका एडवांटेज है. इन अदर वर्ड एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिटवीन द टू कंट्री विल टेक प्लेस ओनली इफ ईच ऑफ द टू कंट्रीज कैन प्रोड्यूस वन कमोडिटी एंड एब्सोल्यूट लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट देन द अदर कंट्री. यही तो एग्जाम्पल दिया मैंने आपको. स्मिथ थॉट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ लेबर कॉन्स्टिट्यूट द बेसिस फॉर दिस थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड देयर फॉर द वैल्यू ऑफ गुड्स इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द लेबर इनकॉर्पोरेटेड इन दैट. बट ऑब्वियसली बात है सर, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो अगर आपके सस्ते रहेंगे तो आपके गुड्स भी सस्ते रहेंगे. वो इसी चीज को यहाँ तक समझाया है. ठीक है, लो भाई आपको कंट्री के वैसे समझाया, इसी को नीचे समझाया, मैं आपको ऊपर से ओरली बता रहा हूँ. कंट्री ए एक घंटे में 6 bushels ऑफ वीट बना लेती, कंट्री बी 1 बना पाती. तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ सर, कंट्री बी से कंट्री ए के पास 5 bushels का एडवांटेज है, तो कंट्री ए क्या चाहेगा, वो bushels वीट के ट्रेड करे. एडवांटेज है ना, दिख तो रहा है अलग से. एक घंटे में ये 6 बनाता है, एक घंटे में वो 1 बनाता है, तो 5 का एडवांटेज. 5 का एडवांटेज है मतलब आप समझ लो साठ मिनट होते हैं, 6 bushels बना रहे हैं, 8 मिनट लग रहे, तो हर एक bushels के लिए कितना लगा, 10 मिनट. तो प्रैक्टिकली 5 bushels एक्स्ट्रा बना पा रहे हैं, तो 50 मिनट्स का फायदा है इनके पास. मिनट्स के सेंस में देखोगे तो 50 मिनट्स, bushels के सेंस में देखोगे तो 5 bushels. समझ आ रहा है. वैसे ही क्लोथ की बात कर लो, कंट्री ए एक घंटे में 4 yards बना सकता है, कंट्री बी 5 बना सकता है. आ रहा है समझ. तो सर 4 इसको मतलब हर एक bushels बनाने में 15 मिनट्स लग रहे हैं, तो सर कंट्री बी के पास 5 bushels बन जा रहे हैं. अब 5 क्लोथ बन जा रहे हैं, क्लोथ यार्ड बना पा रहे हैं, तो सर 5 मतलब हर एक को बनाने में 12 मिनट. समझ आ रहे हैं ना. तो एक bushel एक को एक यार्ड का फायदा है, और मिनट के सेंस में देखोगे तो कितना, एक पूरा पूरा एक का फायदा. इसी चीज को नीचे पूरा एक्सप्लेन किया. आप रीड कर लेना, आप इसको रीड करना. बड़ा वैसे बात है, कंट्री ए वीट एक्सचेंज करना चाहिए, कंट्री बी क्लोथ ही एक्सचेंज करना चाहिए. ठीक है, दिस एग्जाम्पल शो ट्रेड इज एडवांटेजेस ऑल्दो गेन मे नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिकॉज देयर गिवन रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड more efficiently and therefore both countries can produce large quantities of commodities with their specialized. Country A हमारे केस में वीट में था, country B क्लोथ में था. By specializing and trading freely, global output is thus maximized and more of both the goods are available to the consumer in both the countries. If they specialize but do not trade freely, country A's consumer would have no wheat and country B's consumer would have no cloth. That is not a desirable situation. But obviously, बात है सर. The theory discussed above gives us the impression that mutual gainful trade is possible only when one. अरे बार बार ये ऐसी चीज को बोलता है सर, जहां पर एक कंट्री को एडवांटेज है दूसरे कंट्री से एक प्रोडक्ट में, और दूसरे कंट्री को एडवांटेज है दूसरे प्रोडक्ट में एक कंट्री से. जहां पर एडवांटेज क्यों क्रिएट होता है सर, क्योंकि उनकी कॉस्ट कम है. What happen if a country had higher productivity in both commodities compared to another? अब दोनों ही अच्छे situation में. Let us now now think of a situation where country A makes cloth and wheat. Sorry, A makes both wheat and cloth with a fewer resources than country B. In other words, country A has an absolute advantage in production of both the commodities, and country B has an absolute disadvantage in production of both the commodities. This is the question that Ricardo attempted. To answer, when he formalized the concept of comparative advantage, जो हम नीचे पढ़ने वाले हैं, to espouse the arguments that even one country is technologically superior in both goods, it could still be advantageous for them to. हाँ, trade. हो सकता है सर कि कई बार आप कोई goods, पता ही कब होने वाला है, नीचे हम पढ़ेंगे, जब सर opportunity cost. जो होती है सर, भले एडवांटेज है आपके पास, बट वो एडवांटेज जो है वो बहुत छोटे लेवल पर. उस एडवांटेज को छोड़ के आप उस एडवांटेज को लीव करके दूसरी जगह अपॉर्चुनिटी सेंस में आप ज्यादा एडवांटेज कमाना चाहते हो. आई एम सेइंग जैसे मान लो अपने एग्जांपल में कंट्री ए था, उसको वीट में फायदा था, क्लोथ में लॉस था. अब मान लो वीट और क्लोथ दोनों में फायदा है,
पर जो ग्रोथ में जो फायदा है वो फायदे का जो वैल्यू है वो बहुत कम है, तो वो उस छोटे फायदे को छोड़ के वीट में ज्यादा फायदा कमाना पसंद करेगा, इन द सेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी बेनिफिट। ये हम पढ़ने वाले सब थ्योरी ऑफ कंपेटिटिव एडवांटेज, बट ये हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। हमें पढ़ना था थ्योरी ऑफ कंपेटिटिव एडवांटेज, ठीक है। कंपेटिटिव एडवांटेज जब ये बोलेगा तो सिंपल सी बात ये बोलेगा सर कि जब भी दो कंट्रीज आपस में एक दूसरे से ट्रेड करती है, तो एक कंट्री को जब वो अपने प्रोडक्ट दूसरे कंट्री में बेचती है, जैसे एग्जांपल चाइना और इंडिया, चाइना का इलेक्ट्रॉनिक में कंपेरेटिवली एडवांटेज है ओवर इंडिया, क्योंकि सर इलेक्ट्रॉनिक आइटम है बहुत आगे हमसे। अब इंडिया का कंपेरेटिव एडवांटेज है आयरन में एज कंपेयर टू चाइना, तो जब आपस में ट्रेड करते हैं तो दो कंट्रीज को ये सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि उनको किस चीज पे कंपेरेटिवली एडवांटेज मिल रहा है, वो उस बेसिस में डिसाइड करते हैं कि कौन से प्रोडक्ट में हमें डील करना है, जिसमें हमारा सबसे ज्यादा एडवांटेज है वो प्रोडक्ट में हमें डील करना चाहिए। देखो, डेविड रिकार्डो डेवलप द क्लासिकल थ्योरी ऑफ कंपेरेटिव एडवांटेज इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन पब्लिश्ड इन 1817। द कंपेरेटिव एडवांटेज स्टेट दैट इवन इफ वन नेशन इज लेस इफिशियंट देन अदर नेशन इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल कमोडिटीज, देयर इज स्टिल स्कोप फॉर म्यूचुअल बेनिफिशियल ट्रेड। द फर्स्ट नेशन शुड स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ द कमोडिटी इन विच इट्स एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज इज स्मॉलर। मैंने आपको एडवांटेज के सेंस में समझाया, इसने डिसएडवांटेज के सेंस में बोला कि भैया उस प्रोडक्ट में उसका डिसएडवांटेज बहुत कम है, तो चाइना का इलेक्ट्रॉनिक में डिसएडवांटेज बहुत कम है क्योंकि सर ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक में वो बहुत स्पेशलाइज है। दिस इज द कमोडिटी ऑफ अ कंपेरेटिव एडवांटेज एंड इम्पोर्ट ऑफ द कमोडिटी इन विच इट्स एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज इज मोर ग्रेटर, दैट इज द कमोडिटी ऑफ इट्स कंपेरेटिव डिसएडवांटेज। कंपेरेटिव एडवांटेज डिफर्स बिटवीन नेशंस आर एक्सप्लेन बाय एक्सोनियस फैक्टर्स, मतलब बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स है विच कुड बी ड्यू टू द डिफरेंस इन नेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। बहुत बहुत ऑब्वियस सी बात है, ये जो एडवांटेज डिसएडवांटेज जो हम बोल रहे हैं ये बहुत सारे फैक्टर्स है जिसके कारण होते हैं। जैसे चाइना में लेबर सस्ते तो उनके पास इसके कारण कंपेरेटिवली एडवांटेज है इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और बहुत सारी चीजों पर। देखो सर, लेबर डिफरेंस इन प्रोडक्टिविटी इंटरनेशनली एंड डिफरेंट गुड्स हैव डिफरेंट लेबर रिक्वायरमेंट, देयरफॉर कंपेरेटिव लेबर प्रोडक्टिविटी एडवांटेज वाज रिकॉर्ड एज प्रेडिक्टर ऑफ ट्रेड। ये बेसिकली लेबर को लेके बोला कि भैया लेबर के कारण क्या होता है, कंपेरेटिव एडवांटेज बनता है। बिल्कुल बनता है, बिल्कुल बनता है। आप देखो चाइना में लेबर के कारण ही तो बहुत ज्यादा एडवांटेजियस है, इसीलिए तो हर कंपनी वहां जाना चाहती है। भाई इंडिया में भी अगर लेबर सस्ते होते, इफिशियंट होते, तो कंपनीज इंडिया भी आना पसंद करती। समझ, देखो द थ्योरी कैन बी एक्सप्लेन विद अ सिंपल एग्जांपल गिवन इन। सर ये एग्जांपल बहुत ज्यादा इजी है, इसमें ये क्या बोलना चाहेगा पता है, कंट्री ए में सर जो वीट बन रहा है वो 6 बन रहा है और कंट्री बी में 1 बन रहा है, तो मैं ये बोल सकता हूँ सर कंट्री ए का जो वीट है उसमें कंपेरेटिवली एडवांटेज है एज कंपेयर टू कंट्री ए का क्लोथ में, क्लोथ में एडवांटेज ज्यादा है। या इसी के लैंग्वेज में बोल लेते भाई, क्लोथ में सर डिसएडवांटेज ज्यादा है, वीट में डिसएडवांटेज कम है। देखो एडवांटेज के सेंस में बोल लो या डिसएडवांटेज के सेंस में बोल लो, बात तो वही बनती है। ये जो दिया हुआ है ना, ये पूरा का पूरा वही दिया हुआ है, इन्होंने यही पूरा एक्सप्लेन किया है, ठीक है। आप चाहो तो इसको रीड कर सकते हो, बट इतना ज्यादा इसको घुस के पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना पढ़ना नहीं पड़ता। इन अ टू नेशन टू कॉमोडिटीज वर्ल्ड once established that one nation has a comparative advantage in one commodity, then the other nation must necessarily have a comparative advantage in the other commodity. But obvious बात है, तभी तो वो आपस में ट्रेड करेंगे सर, नहीं तो वो ट्रेड ही क्यों करेंगे, ट्रेड ही नहीं करेंगे भाई। अगर एक को भाई एक कंट्री को अगर दोनों चीज में एडवांटेज है तो सामने वाला बोलेगा भैया मेरे को तो इससे फायदा ही नहीं हो रहा है, मैं क्यों ही तेरे साथ ट्रेड करूं। Put in other words, कंट्री ए एब्सोल्यूट एडवांटेज इज ग्रेटर इन वीट, सो कंट्री ए हैज अ कंपैरेटिव। फिर वो उसी चीज को समझाया सर, ये उसी चीज को आप समझाया, आप इसको रीड कर सकते हो, बढ़ सकते हो आगे। हाउ डू दिस कंट्रीज गेन फ्रॉम ट्रेड बाय ईच कंट्री स्पेशलाइजिंग इन द प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ अ कमोडिटी ऑफ इट्स कंपैरेटिव एडवांटेज।
वी नीड टू शो दैट बोथ नेशन कैन गेन फ्रॉम अ ट्रेड इवन इफ वन ऑफ देम इज लेस एफिशिएंट देन द अदर इन द प्रोडक्शन ऑफ बोथ द कमोडिटीज। देखो सर, अब इसके बाद क्या करेगा, ये इसी चीज को जो ऊपर पढ़े अपन उसी चीज को एक एग्जाम्पल के थ्रू बताएगा कि कैसे दोनों कंट्री को एडवांटेज हो सकता है। ठीक है, एज्यूमिंग दैट द कंट्री ए वुड कुड एक्सचेंज 6 wheat for 6 cloth विद कंट्री बी, देन कंट्री ए वुड गेन 2 cloth। बट ऑब्वियसली बात है सर, देखो कैसे हुआ भाई, ये तो 6 wheat दे रहा है और इसको क्लोथ ये बना कितना रहा है सर, कंट्री ए 4 बनाता। अब भाई कंट्री बी से जब ये 6 के बदले 6 में एक्सचेंज करेगा, 6 cloth के बदले एक्सचेंज करेगा, तो सर ये कितना बनाता, 4। इसको एक्स्ट्रा कितने मिल जाएंगे, 6, मतलब एक्स्ट्रा 2 मिल जाएंगे इन्हें, तो इनका 2 का एडवांटेज है। समझ आ रहा है, इनका 2 का एडवांटेज है। आ गया, बोलो बोलो। ये इस कंपैरेटिव एडवांटेज बता रहे, कंपैरेटिव एडवांटेज। देखो 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 आराम से, कंट्री ए को वीट बेचने में कंट्री बी को कंपैरेटिवली एडवांटेज 5 का है, और यहाँ जो उसको एडवांटेज है यहाँ 2 का है, तो वो ज्यादा कंपैरेटिव एडवांटेज किसमें, वीट में, कंट्री ए के सेंस में है। समझ पक्का आगे रहे। सिंस द कंट्री ए कुड ओनली एक्सचेंज 6 wheat for 4 डोमेस्टिकली, जब भी बताया, वी नीड टू शो दैट द कंट्री बी कुड ऑल्सो गेन फ्रॉम द ट्रेड। वी कैन ऑब्जर्व फ्रॉम द टेबल दिस दैट द 6 wheat दैट द कंट्री बी रिसीव फ्रॉम द कंट्री ए वुड रिक्वायर 6 hours ऑफ लेबर। बट ऑब्वियसली बात है सर, इन टू प्रोड्यूसिंग कंट्री बी विद ट्रेड, कंट्री बी कैन इंस्टेड यूज दिस 6 hours टू प्रोड्यूस 12C एंड गिव अप द 6C फॉर 6 wheat फॉर द कंट्री ए। समझ आ रहा है क्या हो रहा है, आराम से हड़बड़ाना नहीं, आराम से भाई। देखो कंट्री बी 1 घंटे में कितना बना रही है, 2 बना रही है, तो 6 घंटे में कितना बना लेगी, 12। समझ आ रहा है, तो इसको सर 6 घंटे में 6 wheat बनाना छोड़ देना चाहिए एज कंपेयर टू क्लोथ बनाना चाहिए, क्योंकि सर अगर ये क्लोथ बनाएगा तो 6 into 2 12 हो जाएगा, और ये वीट कितना बना पाता, 6, तो प्रैक्टिकली 6 का कंपैरेटिवली एडवांटेज है बी को। ये समझ आया क्या हुआ कंपैरेटिव एडवांटेज, पक्का आगे हो आगे रहे। थस द कंट्री बी वुड गेन 6C, मैंने अभी ऊपर बताया, और से 3 hours ऑफ लेबर टाइम, एंड कंट्री ए वुड गेन 2C। हाउएवर द गेन ऑफ बोथ कंट्रीज आर नॉट लाइकली टू बी इक्वल, कहां इक्वल है सर, ये देखो ये 6 और ये 2 का इक्वल है। समझ आ रहा, समझ आ रहा, ये यही था, इतना ही था, ये इजी है, मतलब मेरे को नहीं लगता ये कोई रॉकेट साइंस या कोई टफ चीज है। आप आराम से अपने दम पे भी फिगर लेके चीजें कर सकते हो, याद रहे तो अच्छी बात, ना रहे तो अपने मन से भी फिगर लेके कंपैरेटिव एडवांटेज समझा सकते हो उसको, फिर ये बहुत लंबा समझाया है। However, we need to recognize that this is not the only rate of exchange at which mutual beneficial trade can take place. Country A would gain if it could exchange 6 wheat for more than 4C from a country B. Abhi alag alag combinations try kare. Because 6 wheat for 4C is what it can exchange domestically. Both require the same hour. Ek ghante mein dono ban rahe the sir, 6 wheat aur 4C ban rahe the. The more C it gets, the greater it would be gained from the trade. Obviously बात है सर, जितना ज्यादा सी मिलेगा उतना ज्यादा गेन होगा। Conversely, in country B, 6 wheat is equal to 12C. ये कैसे आया, समझ आया ना सर, 6 घंटे में 6 wheat बना पाएगा और कंट्री बी सर 6 घंटे में 12 cloth बना सकता है, क्योंकि हर घंटे 2 बना रहा था सर। इन द सेंस बोथ रिक्वायर 6 hours, वही लिखा हुआ है। एनीथिंग लेस देन 12C दैट द कंट्री बी मस्ट गिव टू ऑब्टेन 6 wheat फ्रॉम कंट्री ए रिप्रेजेंट अ ग्रेन फ्रॉम अ कंट्री बी ट्रेड फॉर अ कंट्री बी। समझ आ रहा है, यू टू समराइज, लो 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 इतने के बाद बता भी रहे। टू समराइज, कंट्री ए गेन्स टू द एक्सटेंट दैट इट कैन एक्सचेंज 6 wheat फॉर मोर देन 4C फ्रॉम द कंट्री बी, एंड कंट्री बी गेन्स टू द एक्सटेंट दैट इट कैन गिव अप लेस देन 12C फॉर 6 wheat फ्रॉम कंट्री। द रेट फॉर म्यूचुअल एडवांटेज ट्रेड इज 4C 6 wheat।
अब ये इसी चीज को और वापस समझाया है, आप इसको रीड कर सकते हो बार बार, वैसे पढ़ने की ऐसा नीड नहीं होती बट फिर भी रीड कर सकते हो। रिकार्डो बेस्ड हिज लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज ऑन द बेसिस ऑफ लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू व्हिच अज्यूम्स दैट द वैल्यू और द प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिपेंड्स एक्सक्लूसिवली ऑन द अमाउंट ऑफ लेबर गोइंग इनटू इट्स प्रोडक्शन। दिस इज क्वाइट अनरियलिस्टिक बिकॉज लेबर इज नॉट ओनली अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लेबर का सर चार फैक्टर पढ़ के आते हैं ना, पता ये तो सिर्फ लेबर लेके चल रहा है। नॉर इट इज यूज इन द सेम फिक्स प्रोपोर्शन इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल द कॉमोडिटीज, बट ऑब्वियस बात है सर लेबर तो हर जगह चेंज होता है। 1936 हैबल ने रिजॉल्व द इशू व्हेन ही इंट्रोड्यूस द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कॉन्सेप्ट, याद है, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव कॉस्ट फ्रॉम माइक्रो थ्योरी माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी टू एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ कंपेटिटिव एडवांटेज इन विच नो अजम्पशन इज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ लेबर एज द सोर्स ऑफ वैल्यू। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज बेसिकली द वैल्यू ऑफ द फॉरगॉन ऑप्शन, ये तो हम पढ़ के आते हैं सर। इट इज द रियल कॉस्ट इन माइक्रो इकोनॉमिक टर्म एज अपोज टू कॉस्ट गिवन इन मॉनिटरी यूनिट्स। अकॉर्डिंग टू द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी द कॉस्ट ऑफ कॉमोडिटी इज द अमाउंट ऑफ सेकेंड कॉमोडिटी दैट मस्ट बी गिवन अप टू रियलाइज जस्ट इनफ रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ फर्स्ट कॉमोडिटी। सर सर ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं सर। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है सर? नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव कॉस्ट, जो आप ले लियो उसकी तो कॉस्ट लग गई, अगर आप जो लिए हो वो नहीं लेते तो उसके बदले दूसरी चीज लेते उसमें जो लगता अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये पूरा पूरा ना समझाया है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को, आप इसको रीड कर सकते हो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को वापस समझाया, सेंस नहीं है रीड करने का। आगे पूरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के सेंस में उसको समझाया सर, कंट्री ए और कंट्री बी। मैं इसको कल पढ़ा था, मैंने पढ़ा तो मुझे लगा अरे बाप रे बाप, सेम सेम चीज समझा रहे हैं। देखो इन द अबव एग्जांपल वी फाइंड द कंट्री ए मस्ट गिव अप 2/3 ऑफ द यूनिट ऑफ द क्लोथ टू रियलाइज जस्ट इनफ रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस वन एडिशनल यूनिट ऑफ वीट डोमेस्टिकली, देयरफॉर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वीट इज 2/3 यूनिट ऑफ द क्लोथ। ठीक है, वन वीट इज इक्वल टू 2/3 ऑफ द क्लोथ इन अ कंट्री ए। 2/3 कैसे आया, समझ आया ना सर? 4/6, 4/6 क्यों सर? क्लोथ को ऊपर वीट नीचे, तब तो देखना चाहेगा ना सर एक वीट एक्स्ट्रा बनाने के लिए कितना एक्स्ट्रा क्लोथ को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, इसी को तो बोल रही है। ठीक है, सिमिलरली इन कंट्री बी, अब कंट्री बी का भी बताएगा मैडम, 1/2 इसका मतलब सर अगर हमें एक्स्ट्रा एक क्लोथ बनाना है तो वीट 0.5 सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। समझ आ रहा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ वीट। इन अ टू नेशन टू कॉमोडिटी वर्ल्ड इफ अ कंट्री ए हैज अ कंपैरेटिव एडवांटेज इन बी देन कंट्री बी विल हैव अ कंपैरेटिव एडवांटेज इन क्लोथ, देयरफॉर कंट्री ए शुड कंसीडर स्पेशलाइजिंग इन प्रोड्यूसिंग वीट एंड एक्सपोर्ट सम ऑफ इट इन एक्सचेंज फॉर क्लोथ प्रोड्यूसिंग कंट्री बी। बाय सच स्पेशलाइजेशन इन ट्रेड बोथ नेशन विल बी एबल टू कंज्यूम मोर ऑफ बोथ कॉमोडिटीज दैट वुड हैव बीन पॉसिबल विदाउट ट्रेड। In summary, international differences in relative factor productivity are the causes of comparative advantage and a country exports goods that it produces relatively efficiently. This fact point to a tendency towards complete specialization in production. Ricardo demonstrated the two nation without input factor mobility, specialization and trade could result in increased total output and lower cost that if the nation tried to produce in isolation. सिंपल आसान भाषा में वही बोल रहे सर, जो कंट्री जिस चीज में स्पेशलाइज रहेगी वो उसी चीज पे ट्रेड करना पसंद करेगी, उस पर उसकी एफिशिएंसी भी दिखेगी। ट्रेड जनरेट्स वेलफेयर गेन्स एंड बोथ कंट्रीज कैन पोटेंशियली ग्रेट फ्रॉम द ट्रेड, देयरफॉर इंटरनेशनल ट्रेड नीड नॉट टू बी अ जीरो सम गेम। सर दोनों में से किसी ना किसी को कोई ना कोई चीज का फायदा होगा, तो जीरो सम गेम की तो बात होती नहीं है। हाउएवर द रिकार्डियन थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज सफर फ्रॉम मेनी लिमिटेशन, इट एम्फेसाइजेस ओनली ऑन सप्लाई कंडीशंस एक्सक्लूड डिमांड पैटर्न। ये तो सिर्फ लेबर और सप्लाई की बात कर रहे हैं, यहाँ पर डिमांड से हमें क्या मतलब है? हम तो ये देख रहे हैं कि एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ कितना एक्सचेंज कर सकती है, सप्लाई के सेंस में बात कर रहे हैं हम, ये थोड़ी बात कर रहे हैं कि उस कंट्री में कितनी डिमांड होगी और उस डिमांड के बेसिस में वो कितना सर सप्लाई करना चाहेगी और क्या करना चाहिए। मोर ओवर द थ्योरी डज नॉट एग्जामिन व्हाई कंट्रीज हैव डिफरेंट कॉस्ट, द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज ऑल्सो डज नॉट आंसर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन Why does a nation have a comparative advantage in the production of a commodity and comparative disadvantage in the production of another? ये reason नहीं बता रहा, ठीक है? The answer to this question is provided by Hexter-Ohlin theory. चलो भाई, अब इसकी theory पढ़ते हैं। Hexter-Ohlin theory of trade. देखो सर,
also referred as a factor endowment theory of trade and a modern theory of trade, is considered as a very important theory of international trade. इसके नाम में याद रख लेना, ठीक है? In a view of the contribution made by P.A. Samuelson, this theory is also sometimes called as a Heckscher-Ohlin-Samuelson theorem. अरे बाप रे, पहले ये दो नाम से कम नहीं थे और तीसरा बीच में सैमुएलसन को भी डाल दिया. The Heckscher-Ohlin model studies the case that two countries have different factor endowment under identical production function and identical preferences. The difference in factor endowment result in two countries having different factor prices in the beginning. Consequently, HO model implies that the two countries will have different cost function. But obviously, बात है, दोनों कंट्री के अपने कॉस्ट, अपनी प्रोडक्शन, अपनी सब चीजें रहने वाली है. सेम कैसे हो सकता है सर? चाइना और इंडिया की कभी कॉस्ट में सेम कैसे हो सकता है सर? उसके फैक्टर्स अलग है, हमारे फैक्टर्स अलग है प्रोडक्शन के. Heckscher-Ohlin theory of trade states that the comparative advantage in the cost of production is explained exclusively by the difference in factor endowment of the nation. कौन कौन से फैक्टर वो पिकअप करते हैं? फैक्टर एंडोमेंट वर्ड का मतलब होता है सर, कौन कौन से फैक्टर पिकअप करके वो गुड्स बनाना पसंद करते हैं, उसके बेसिस में सर क्या होगा, डिफरेंसेस आएंगे सर कॉस्ट, ठीक है? और जैसे इंडिया में क्या होता है, ज्यादातर काम लेबर बेस्ड होता है, चाइना में बहुत काम मशीन बेस्ड होता है. तो सर मशीन बेस्ड होने के कारण और लेबर की कॉस्ट कम होने के कारण चाइना में प्रोडक्ट सस्ते होते हैं. अब इंडिया में क्या होता है, टेक्नोलॉजी तो है नहीं और टेक्नोलॉजी जो भी है वो बहुत महंगी है, उसके कारण क्या हो रहा है, इंडिया में लेबर के थ्रू काम होता है. अब लेबर भी इंडिया में सस्ते नहीं है तो उसके कारण क्या हो रहा है, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है हमारी. तो यहां पर हम चाइना से वेरी कर जाते हैं, समझ आ रहा है? इन जनरल सेंस ऑफ द टर्म फैक्टर एंडोमेंट रिफर्स टू द ओवरऑल अवेलेबिलिटी ऑफ यूजेबल रिसोर्सेज. यूजेबल रिसोर्सेज मतलब चार फैक्टर, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इंक्लूड बोथ नेचुरल एंड द ह्यूमन मेड मींस ऑफ प्रोडक्शन. मींस ऑफ प्रोडक्शन तो चार ही होते हैं ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. Nevertheless, in the exposition of the modern theory, only the two important factors, चलो भाई ये तो दो को लेके चल रहे, लेबर और कैपिटल, are taken into account, ठीक है? According to this theory, international trade is but a specially case of inter-regional trade. Different region have different factor endowments, that is, some region have abundance of labor, but scarcity of capital. While other region have abundance of capital but scarcity of labor. ये तो बड़ों पे से बात है सर, हर जगह factors अलग, different भी available है. तब तो सर इंडिया में हर स्टेट की जीडीपी अलग तरीके से होती है, कंट्रीज की जीडीपी अलग तरीके से होती है, क्योंकि सर हर जगह कैपिटल, लेबर की अवेलेबिलिटी अलग अलग है. डिफरेंट गुड्स हैव डिफरेंट प्रोडक्शन फंक्शन, दैट इज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर कंबाइंड इन डिफरेंट प्रपोर्शन टू प्रोड्यूस डिफरेंट कमोडिटीज. बड़ों पे से बात है सर, अरे भैया इस पेन को बनाने में जैसे लेबर लगे होंगे वैसे इस मोबाइल को बनाने में लेबर थोड़े लगे होंगे, दोनों में डिफरेंट होंगे. व्हाइल सम गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एम्प्लॉइंग अ रिलेटिवली लार्जर पोर्शन ऑफ द लेबर एंड रिलेटिवली स्मॉल पोर्शन ऑफ द कैपिटल, अदर गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एम्प्लॉइंग अ रिलेटिवली लार्जर पोर्शन ऑफ द लेबर एंड रिलेटिवली लार्जर पोर्शन ऑफ कैपिटल. डिपेंड करता है सर, वो तो गुड्स पे डिपेंड करता है. अब जैसे मर्सिडीज है, BMW है, सर इस पे लेबर भी बहुत महंगे होते हैं, कैपिटल भी बहुत महंगा है. मारुति की बात करो सर, मारुति में तो दोनों ही चीज सस्ती चलती है, ठीक है? Thus, each region is suitable for the production of those goods for which production it has relatively abundant supply of the requisite factor. सर मेरे पास जो ज्यादा रहेगा मैं उसी के बेसिस में गुड्स बनाना पसंद करूंगा. भाई मेरे पास लेबर ज्यादा है तो मैं लेबर ज्यादा एफर्ट दूंगा, कैपिटल कम रखूंगा. अब भाई मेरे पास कैपिटल ज्यादा है तो सर मैं टेक्नोलॉजी बेस्ड जा सकता हूँ, लेबर कम रख सकता हूँ. समझ आ रहे हैं? A region is not suitable for the production of those goods for which production it has relatively scarce or zero supply of essential factor. But obviously बात है सर, अगर मेरे पास लेबर नहीं है तो मैं सर लेबर बेस्ड गुड्स बनाऊंगा ही, क्यों बनाऊंगा, मर जाऊंगा मैं. Hence different region have different capacity to produce different commodities. Therefore difference in the factor endowment is the main cause of international trade as well as inter-regional trade. But obviously बात है सर, देखो पंजाब में सबसे ज्यादा गेहूं और चावल होते हैं आजकल, क्योंकि सर वहां पर लेबर और सर कैपिटल की सप्लाई ज्यादा है सर, तो वही वहां पर ज्यादा है इसीलिए सर वहां पंजाब के दम पे महाराष्ट्र ट्रेड करता है, दिल्ली ट्रेड करता है, आसपास हम भी ट्रेड करते हैं पंजाब से. पर सर अगर बात कर लो छत्तीसगढ़ की, तो सर छत्तीसगढ़ आयरन ओर में किंग है, तो सर हमारे पास आयरन ओर में किंग होने के कारण सर यहाँ पर कैपिटल की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है. तो यहाँ पर कैपिटल की अवेलेबिलिटी ज्यादा होने के कारण हम कैपिटल ज्यादा यूज करते हैं, लेबर कम यूज करते हैं, हम लेबर बाहर से लेके आते हैं. वही बोल रहे सर, ये डिफरेंसेस होने के कारण ही आपस में ट्रेड होता है, चाहे इंटर रीजनल हो या चाहे इंटरनेशनल लेवल पे हो. अरे समझ,
According to Olin, the immediate cause of the inter-regional trade is that the goods can be bought cheaper in terms of money that can be produced at home. That is the case of international trade as well. बड़ों वैसी बात है सर. अरे भाई पंजाब में इससे कम सस्ते में गेहूं बनाता है. अब तो मैं क्यों गेहूं बनाऊं, पागल क्या, मैं तो पंजाब से खरीदूंगा. द कॉज ऑफ डिफरेंसेस इन द रिलेटिव प्राइस ऑफ द गुड्स इज द डिफरेंस अमाउंट ऑफ फैक्टर एंडोमेंट लाइक कैपिटल एंड लेबर बिटवीन टू कंट्रीज. मैंने आपको अभी चाइना और इंडिया का एग्जाम्पल दिया, ये उसी चीज को बार बार पूरा समझाया. कैपिटल इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव. सर देखो मैंने आपको इसको बहुत अच्छे से समझा चुका है, फिर भी अगर आपको नहीं समझ आएगा तो मुझसे पूछ लेना, क्योंकि मैंने जो चाइना और इंडिया का एग्जाम्पल दिया वो परफेक्टली इसमें बैठता है. ठीक है, इसको रीड करना, नहीं समझ आएगा तो पूछ लेना सर, वही बात है जो मैंने आपको समझाई. द एक्शन ऑलिन थ्योरी ऑफ फॉरेन ट्रेड कैन बी स्टेटेड इन द फॉर्म ऑफ टू थ्योरम, नेमली एक्शन ऑलिन ट्रेड थ्योरम, फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम. चलो सर आराम से देखते हैं. एक्सटर ऑल इन ट्रेड थ्योरम एस्टैब्लिश दैट अ कंट्री टेंड टू स्पेशलाइज इन द एक्सपोर्ट ऑफ कमोडिटी हुज प्रोडक्शन रिक्वायर इंटेंस यूज ऑफ इट्स अबंडेंट रिसोर्सेज एंड इंपोर्ट अ कमोडिटी हुज प्रोडक्शन रिक्वायर्स इंटेंस यूज ऑफ स्केयर रिसोर्सेज. समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? अरे भैया कोई चीज का रिसोर्सेज अगर मेरे पास ज्यादा है तो मैं उसके गुड्स बना के एक्सपोर्ट करना पसंद करूंगा, और कोई चीज के रिसोर्सेज मेरे पास स्केयर है, कम है, तो वो गुड्स मैं बाहर से इम्पोर्ट करना पसंद करूंगा क्योंकि मेरे पास पहले से स्केयर है. अगला देखो. The factor price equalization theorem states that international trade tend to equalize the factor price between the trading nation. In the absence of foreign trade, it is quite likely that the factor price are different in different countries. बड़ा वैसे बात है सर. International trade equalizes the absolute and the relative returns to the homogeneous factor of production and their prices. In other words, the wages of homogeneous labor and return of homogeneous capital will be same in all the nations which engages in trading. कैसे, सुनो एकदम सिंपल सी बात है. मान लो चाइना से कोई गुड्स बहुत सस्ता आ रहा है, जैसे ये सीएफएल बल्ब वगैरह, ये चाइना से 3 रुपए में आ रहे हैं, अब इंडिया 7 में बना रहा है, तो अब ये हो रहा है कि डिफरेंसेस आ गए फैक्टर प्राइस में. अब अपन क्या करेंगे, इसको इक्वलाइज करेंगे. कैसे इक्वलाइज करेंगे सर? चाइना में हम क्या करते हैं, 2 रुपए का टैक्स लगा देते और इंडिया को 2 रुपए की सब्सिडी दे दिए, ला दी फैक्टर प्राइसिंग को इक्वल. समझ आया? Factor pricing equalization theorem postulates that if the price of an output of the goods are equalized between countries engaged in a free trade, then the price of the input factor will also be equalized between countries. This implies that the wage and the rent will converge across the country with a free trade, or other words, trade in goods is a perfect substitute for trade in factors. Aram se. इन्होंने बोला सर, अगर मान लो दो कंट्री अपने फैक्टर की जो कॉस्ट है अगर उसको बराबर ला सके, तो कल के दिन सर फैक्टर की कॉस्ट बराबर होने के कारण उनकी प्रोडक्ट की प्राइसिंग भी क्या हो जाएगी, बराबर. ठीक, अब इन केस कल के दिन अगर बराबर हो जाता तो कोई रीजन से वो गुड्स मैं नहीं बना पा रहा हूं, या कोई रीजन से मेरे पास वो फैक्टर अवेलेबल नहीं है, तो मैं दूसरे कंट्री से उस गुड्स को या उस फैक्टर को सब्सटीट्यूट करना आसान रहेगा. क्यों? एट द सेम कॉस्ट मेरे को दूसरी कंट्री से मिल जाएगा. वही बोल रहे हैं, समझ आया? Hexter Olin theorem thus puts forth the foreign trade eliminates the factor price differential. The factor price equalization theorem is in fact a corollary to the Hexter Olin trade theorem. क्योंकि ये trade के basis में बात करता है और वो factor के basis में बात करता है. It holds true only as long as the Hexter Olin theory holds true. देखो, the basic assumption of the Hexter Olin theorem is that the two countries share the same production technology and that market are perfectly competitive. मैंने आपको बताया सर, same production. The opening up to trade for a labor abundant country will increase the price of the labor intensive goods, say clothes, and thus lead to expansion of cloth production. As there is demand for export of cloth in a foreign market, the demand for factor of production increases in the cloth sector. समझ आ रहे क्या हो रहा है? अरे भैया मेरे गुड्स की बाहर डिमांड बढ़ जाएगी तो मैं भी तो लेबर बढ़ाऊंगा ना, खुद थोड़ी बनाऊंगा. Because clothes are labor-intensive goods, an increase in demand for labor in a factor market will attract labor from the capital-intensive industry within the country, say machine or tools. The expanding cloth industry absorbs relatively more labor than the amount realized by the contracting machine tool industry, and the price of the labor goes up. यही तो हो रहा है, हकीकत दुनिया में यही हो रहा है. फिर लेबर की डिमांड बढ़ जाती है तो लेबर फिर अपने रेट्स बढ़ाना स्टार्ट करते हैं क्योंकि उनको डिमांड ज्यादा लगती है. As a result, capital returns. ऐसा नहीं लग रहा, सिंगम रिटर्न टाइप का नहीं लग रहा, कैपिटल रिटर्न्स.
कैपिटल रिटर्न डिक्रीजेस इन रिलेशन टू अ वेज रेट एंड द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विल बिकम मोर कैपिटल इंटेंसिव इन बोथ सेक्टर लीडिंग टू अ डिक्लाइन इन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। बड़ा वैसे बात है सर, आप कैपिटल कम यूज करो लेबर ज्यादा यूज करो, तो सर कैपिटल के थ्रू जो आपका प्रोडक्शन है या प्रोडक्टिविटी है एफिशियंसी वो कम हो जाएगी एंड इंक्रीज इन दैट ऑफ द लेबर इन बोथ द सेक्टर। सिमिलरली व्हेन कंट्री बी इंक्रीजेस इट्स स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल इंटेंसिव। अरे यार ये उसी चीज का अपोजिट बोलने वाला है सर, अगर कैपिटल इंटेंसिव अच्छा रहेगा, कैपिटल इंटेंसिव अगर आप बढ़ाओगे तो बड़ा वैसे बात है सर क्या होगा, लेबर इंटेंस कम हो जाएगा, लेबर का रेट वगैरह सब कम होने वाले हैं, लेबर चीजें सस्ती होने वाली है, सब किस तरफ शिफ्ट होंगे कैपिटल इंटेंसिव की तरफ और कैपिटल इंटेंसिव का आपको बेनिफिट मिलेगा। When the price of output of goods are equalized between countries as they move to free trade, then the prices of factor of production will also equalize between the countries. मैंने बताया सर, factor equal हो गए तो price भी same आने वाली। It means the product mobility and the factor mobility become perfect substitute. समझ आया? With trade, whichever factor receive the lowest price before two countries integrate economically and efficiently become one market, will therefore tend to become more expensive related to other factor in the economy. While those with the highest price will tend to become cheaper, this process will continue till the factor prices are equalized between the trading nations. बड़ा वैसे बात है सर, अगर एक कंट्री को अपने फैक्टर्स में एडवांटेज है तो दूसरी कंट्री कुछ ना कुछ ऐसा करेगी कि सर उसके एडवांटेज को कवर अप कर ले, और वो किसी भी सेंस में कर सकती है सर, किसी भी सेंस में टैक्सेस बढ़ा दे तो हो जाएगा, अपनी कंट्री में सब्सिडी दे दे उससे हो जाएगा सर, अपनी कंट्री में फैक्टर्स इजिली अवेलेबल करवा दे उससे हो जाएगा, नई टेक्नोलॉजी लेके आ जाए उससे हो जाएगा, ठीक है। लो भाई ये कंपेयर करके बता रहे सर, थ्योरी ऑफ कंपेरेटिव कॉस्ट एंड मॉडर्न थ्योरी, ठीक है। ये जो कंपेरिजन है इसको रीड कर सकते हो कि मैं भी बताऊं? पक्का पक्का पढ़ सकता हूँ आगे? अगला देखो न्यू ट्रेड थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन। न्यू ट्रेड थ्योरी इज एन इकोनॉमिक थ्योरी दैट वाज डेवलप्ड इन द 1970s एज अ वे टू अंडरस्टैंड इंटरनेशनल ट्रेड पैटर्न्स। एनआईटी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग व्हाई डेवलप्ड एंड द बिग कंट्रीज आर ट्रेड पैटर्न्स, मतलब उनसे ज्यादा ट्रेडिंग क्यों हो रही है व्हेन दे आर ट्रेड सिमिलर गुड्स एंड सर्विसेज। दिस कंट्री कंस्टिट्यूट मोर देन 50% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड। हाँ भाई, this is particularly true in key economic factors such as electronic, IT, food and automotive. We have cars made in India, yet we purchase made cars in other countries. बड़ा वैसे बात है सर, these are usually products that come from large global industry that directly impact international economics. The mobile phones that we use has a good example. अरे भाई simple, बहुत प्यारा example है। मोबाइल तो इंडिया में बन रहे हैं बट हम import तो चाइना से ही कर रहे हैं। India produces them and also import them. NIT argues that because of the substantial economies of scale मतलब समझते हो, bulk quantity, China में quantity ज़्यादा है, and network effect, it has to pay export phone to sell in another country. It pays to export phones to sell in another country. समझ आ रहा है क्या बोल रहा है? हमें सर हमारी goods बाहर बिके उसके लिए हमें pay करना पड़ता है ताकि सर उससे हमारे गुड्स ज्यादा बिके। कैसे पे करना पड़ता है? इन द फॉर्म्स ऑफ सब्सिडी। तो हमारे गुड्स सस्ते हो जाएंगे तो हम बाहर बेच पाएंगे। अरे सर, दोस कंट्रीज विद द एडवांटेज विल डोमिनेट द मार्केट एंड द मार्केट टेक्स फ्रॉम द फॉर्म ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। मोनोपोलिस्टिक क्या था? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स और सबके प्रोडक्ट अलग अलग, ठीक है। Monopolistic competition, लो भाई आपके लिए बता भी दिया, tells the firm are producing a similar product that is not exactly the same. इसीलिए तो product differentiation होता है। वो याद है अपन बचपन में एग्जाम्पल लेते थे टूथपेस्ट, एक में नमक है, एक में नीम है, एक में रामदेव बाबा है, बट ऑफल क्लोज। अकॉर्डिंग टू द एंटिटी टू की कंसेप्ट गिव एडवांटेज टू कंट्रीज दैट इम्पोर्ट गुड्स टू कम्पीट विद प्रोडक्ट फ्रॉम द होम कंट्री। देखो सर, एक तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, बल्क क्वांटिटी की बात है सर, और एक है नेटवर्क इफेक्ट। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब बल्क क्वांटिटी, जहां पर आपकी सर क्वांटिटी ज्यादा होने के कारण कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाती है, और नेटवर्क सर सिंपल सी बात है सर, आपका बहुत बड़ा नेटवर्क एरिया होने के कारण आप ज्यादा गुड्स बेच पाते हो, तो आपको ज्यादा बेनिफिट है, तो इसलिए आपको एडवांटेज है।
ये देखो एग्जाम्पल, देखो नेटवर्क इफेक्ट का गुड एग्जाम्पल इज बहुत सर, बहुत प्यारा एग्जाम्पल है। इसी में बैंड वैगन इफेक्ट भी दिया हुआ है, याद है बैंड वैगन इफेक्ट सीए फाउंडेशन में पढ़े क्या था? हम बैंड वैगन पे ये होता है ना कि हमने देखा कि इसने परचेज किया तो एग्जैक्टली वो परचेस किया, मैं भी करूंगा, वो चला रहा है मैं भी करूंगा, आया समझ? ये था हमारा, अगर चाहो तो डिफरेंशिएशन भी देख सकते हो उसके, थ्योरी ऑफ कंपेरेटिव कॉस्ट और मॉडर्न थ्योरी। ठीक है, देखो कंपेरेटिव कॉस्ट क्या बोलता है, इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट, जो दो कंट्रीज के बीच में कॉस्ट का डिफरेंस आता है। मॉडर्न जो थ्योरी है सर कॉस्ट को भी कंसिडर करती है, पर ये फैक्टर्स को भी कंसिडर करती है। ठीक है, यहां पर सिर्फ लेबर पे फोकस्ड है कंपेरेटिव में, सर यहां पर मनी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के सेंस में बात है, सर यहां पर लेबर एज अ सोल फैक्टर कंसिडर किया जाता है, सर यहां पर लेबर के साथ कैपिटल भी है, दो फैक्टर कंसिडर किया जाता है ना, लेबर और कैपिटल अगले पर पड़े। ट्रीट इंटरनेशनल ट्रेड एज क्वाइट डिस्टेंट फ्रॉम डोमेस्टिक ट्रेड, दोनों को अलग अलग मानता है। ये बोलता है नहीं नहीं भाई, अगर फैक्टर सेम है प्राइसिंग सेम है तो दोनों सेम। ठीक है, ये बोला इंटरनल ट्रेड भी हो सकता है और इंटरनेशनल ट्रेड भी हो सकता है। स्टडी ओनली कंपेरेटिव कॉस्ट, यहां पर सर रिलेटिव प्राइस की भी तो बात आती है सर, प्राइस ऑफ द फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं सर, कि भाई ये फैक्टर की प्राइस इंडिया में कितनी है और यही फैक्टर की प्राइस दूसरी कंट्री में कितनी है। एट्रीब्यूट द डिफरेंसेस इन कंपेरेटिव एडवांटेज टू डिफरेंसेस इन प्रोडक्शन प्रोडक्टिव कैप एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स, ये वर्कर्स की एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है, ये फैक्टर्स की एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है। अरे समझ, डू नॉट टेक इनटू अकाउंट द फैक्टर प्राइस डिफरेंसेस, सर ये तो फैक्टर प्राइस डिफरेंसेस को कंसीडर करता है ना सर। डू नॉट प्रोवाइड द कॉज ऑफ डिफरेंस इन कंपेरेटिव एडवांटेज, ये प्रोवाइड करता है सर, ये बोलता है भाई कि कोई भी गुड्स की प्राइस उसके फैक्टर एंडोमेंट्स के कारण आ रही है, ये नॉर्मेटिव है, ये पॉजिटिव है, समझ आ रहा है? नॉर्मेटिव मतलब व्हाट ऑट टू बी, क्या टाइप के बेनिफिट्स हो सकते हैं, और पॉजिटिव मतलब व्हाट इज, क्या हो रहा है, आया समझ? ये हमारा चैप्टर इतना ही था मैडम, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ।